हेलो स्टूडेंट, तो हम लोग आज क्लास 11 का टॉपिक का ही नेक्स्ट पॉइंट देखने जा रहे हैं, प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट। तो इससे पहले हम ज़रूर बोलेंगे कि आप लोग जो है इससे पहले का जो भी वीडियो अपलोडेड है जो चैनल पे ही है, आप जाकर वहाँ पहले देख लीजिए ताकि इसको आगे समझने में हमारे लिए ईजी रहेगा, आपके लिए भी ईजी रहेगा। तो इसको शुरू करते हैं प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट से हम लोग, ठीक है। तो हम लोग प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट देख रहे थे, तो ये होता क्या है, तो मैंने डिफिनीशन पहले लिख दिया है ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बोलता क्या है कि व्हेन वी कैन मेजर ए क्वांटिटी विथ मोर सिग्निफिकेंट डिजिट्स, और इन अदर वर्ड्स द रेजुलेशन ऑफ द मेजरमेंट इज हायर, वी से द प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट इज हायर। मतलब क्या हुआ कि जब हम क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो एज्यूम कर लेते हैं कुछ वैल्यू को कि इतना सेंटीमीटर होगा या इतना मीटर होगा या इतना मिलीमीटर होगा, तो उसमें हो सकता है कि वो हायर भी हो सकता है और लोअर भी हो सकता है। तो ये चीज़ बोला है कि वो हायर भी हो सकता है, तो देखते हैं कैसे हो सकता है। जैसे सपोज डॉट मान लेते हैं कि एक लाइन हमने ले लिया है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपका स्कूल में सर बोलते हैं कि एक लाइन हमने लिया है ये वाला, और उसको हमें अब मेजर करना है कि ये कितना सेंटीमीटर का है या कितना मीटर का है। तो हम लेते हैं, हम लोग जानते हैं कि हमारा एक स्केल है, देखते हैं इसे मेजर करके कि कितना आता है। तो हम लोग जानते हैं कि ये हमारा मेजरमेंट का होता है, जहाँ से हमारा ये यहाँ से शुरू होता है तो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ये हमारा लेकर चलता है जो ये सेंटीमीटर में आता है ना। तो इसको अब देखते हैं मेजर करके, तो मेजर करते हैं तो हम यहाँ से हम लोग लेते हैं, अब ये मेजर करते हैं तो ये 21 पॉइंट समथिंग है। अगर हमारे सर से हमें बोलते हैं कि ये कितना सेंटीमीटर है, अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो ये 21 पॉइंट समथिंग पर है, तो इसको हम कितना बोलेंगे। तो गौर से देखते हैं, हम लिख भी देते हैं यहाँ पे कि ये यहाँ पे आ रहा है 21.2 के नियर अबाउट। डैट मीन्स कि यहाँ से यहाँ तक का हमारा जो मेजरमेंट आ रहा है 21.2 सेंटीमीटर में। अगर अब हमसे सर पूछते हैं कि ये मेजरमेंट कितना है, तो पहले हम लोग एज्यूम कर सकते थे कि हो सकता है कि 20 सेंटीमीटर हो या 21 सेंटीमीटर हो। तो ये हमारा क्या है कि 20 से क्या है हायर है, लेकिन 22 से मोर देन हायर लेस है ना। गौर से देखते हैं कि अगर 21, 22 होता तो हमारा कुछ यहाँ पे होता, तो ये 21 से ग्रेटर है बट 22 से मोर लेस है ना। अगर इसी को हम अगर मान लेते हैं कि ये हमारा कुछ अब स्केल बना लेते हैं, अगर ये स्केल में हमने मेजरमेंट किया, फिर से करते हैं जो देखते हैं मेजरमेंट हमारा, यहाँ से हमने मेजर किया तो ये हमारा मेजरमेंट कुछ आ रहा है 21.2 पे आ रहा है। तो हम अब इसको मेजर करने के लिए बहुत इजीली बोल सकते हैं कि ये हमारा मेजरमेंट कितना है, 21.2 है, तो ये हमारा परफेक्ट हो गया। अब अगर सर हमसे पूछते हैं कि ये है, तो हम शान से बोल सकते हैं हाँ ये हमारा क्या है 21.2 सेंटीमीटर है। तो ये जो हमारा कंसेप्ट आया था मेजरमेंट का, जैसे कि हम लोगों को पहले जो स्केल है जो अभी आपको देख रहे हैं स्केल, जो हमारा पहले जो स्केल आता था जिसमें क्या होता था कि मान लेते हैं ये स्केल बना रहे हैं हम, तो नंबरिंग करते हैं अपने से, तो ये 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 और ये मान लेते हैं 6 तक ही है। तो इसमें अगर हमें मेजरमेंट करने के लिए मान लेते हैं ये एक नंबर लाइन दे देते, अगर अब हमें इसको मेजर करना होता तो कितना होता था, यहाँ से हम गौर से देखे तो यहाँ से 1 है और ये 2, और ये 2 ये हमारा कुछ यहाँ पे है ये वाली, तो ये यहाँ पे कुछ मेजर हो रहा है। अब इसको हम एग्जैक्ट कितना बोलते, तो 2 से ग्रेटर और 3 से लेस बोल सकते थे। तो इसी को सोल्यूशन करने के लिए हमारा क्या हुआ कि हमारा स्केल आया जिसमें क्या हुआ कि ये कुछ हमारा, ये मान लिए दूसरा स्केल है हमारा, ये 1 मान लेते हैं, ये 2 मान लेते हैं, ये 3 मान लेते हैं, ये 4, 5, 6 या मान लेते हैं कि 7 तक है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का हमारा जो होता है वो पॉइंट पर डिजिट होता है या मिलीमीटर में होता है। डैट मीन्स कि ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
ये 9 होता है, ये उसके बाद क्या होता है 1 होता है, इससे पहले हमारा जो होता है वो पॉइंट में होता है। सेम इधर भी होता है, ये 10 होता है, तो ये यहाँ पे हमारा 1 था। अगर यहाँ पे हमें इस पॉइंट को मेजर करना हो तो क्या होगा, 1.122 है पे है, मतलब 1 सेंटीमीटर और 2 मिलीमीटर हो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.2 सेंटीमीटर, है ना। यहाँ पे जब हमें मेजरमेंट करना हो, सेम हम लोग जब यहाँ पे करेंगे तो सभी में हमारा क्या होता है 9 डिजिट एक होता है, 10 हो जाता है। फिर से हमने क्या किया, यहाँ पे लेकर आया, ये हमारा 9 डिजिट तक 10, फिर से हमने किया वे सेम ऐसे ही। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, इजी हो गया मेजरमेंट करने के लिए, कि हम लोग इजीली उसको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं जो भी हमारा लाइंस हो, चाहे कोई भी हमारा वैल्यू होगा जिसको इजीली मेजरमेंट कर सकते हैं, जो मोर देन हायर भी हो सकता है और लोअर भी हो सकता है। तो हमें प्रेसीजन ऑफ मेजरमेंट में यही चीज़ जानना था कि हमें अगर कोई लाइन है उसको मेजर करना है तो परफेक्ट जो हम लोग करते हैं मेजरमेंट, परफेक्ट जैसे एजम्पशन पे हम लोग कुछ भी बोल सकते थे कि ये लाइन है हमारा तो ये हमारा 5 सेंटीमीटर है, लेकिन जब हम मेजर करते हैं तो हो सकता है 5 से ग्रेटर भी हो सकता है और लोअर भी हो सकता है। तो ये सिचुएशन को ही हम लोग बोलते हैं प्रेसीजन ऑफ मेजरमेंट। यही हमने यहाँ पे पहले भी लिखा है, उसको एक बार फिर से हम पढ़ देते हैं ताकि आपके लोग के लिए ईजी रहेगा। देखते हैं क्या लिखा है, कि वेन वी कैन मेजर ए क्वांटिटी विथ मोर सिग्निफिकेंट डिजिट और इन अनदर वर्ड द रेजुलेशन ऑफ द मेजरमेंट इज हायर, वी कैन से द प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट इज हायर। तो जैसे कि यहाँ हमने लिया था कि ये हमारा कितना था, हमने मेजर किया था कि हो सकता है 21 सेंटीमीटर हो, लेकिन जब मेजर किए तो कितना हो गया 21.2 सेंटीमीटर हुआ। सेम इस तरह का जब हमारे पास मेजरमेंट रहेगा तो हो सकता है कि वो क्या हो, कि कुछ हमारा मेजरमेंट में मिस्टेक्स हो सकता है। अगर यहाँ पे आ जाए तो हमें कुछ भी नहीं पता है कि यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या हो सकता है, 2.1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। लेकिन जब इस तरह का हमारे पास मेजरमेंट आया, जैसे कि ये स्केल है हमारा, तो इस स्केल से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हमारा हर एक वैल्यू को मेजर करके दिया गया है कि जिस पॉइंट पर होगा वो हमारा समथिंग पॉइंट समथिंग हो सकता है। तो ये जैसे कि अगर 1 के अगर बाद में अगर हमने यहाँ पे लिया था तो 1 सेंटीमीटर हमारा हुआ था और 2 मिलीमीटर हुआ था, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे 1.2 सेंटीमीटर। ठीक है, थैंक यू, नोट करिए इसको।